माजी की मकबूल और बोल्ड अदाकारा निशु बेगम ने इंकशाफ किया है कि ज़ईफ़ुल उम्री में भी लोग इन्हें चाहते हैं, इन्हें छेड़ते हैं और इन्हें शादी की पेशकश तक करते आ रहे हैं। निशु बेगम की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में इन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी शादियों और लोगों की जानिब से की जाने वाली पेशकश पर बात की। निशु बेगम ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक मुख्तसर वीडियो शेयर की जिसमें इन्होंने अपनी शादियों से मुतालिक खुलकर बात की। उनका कहना था कि माजी में इनकी शादियों और ताल्लुकात पर काफ़ी बातें की जाती थीं, अब भी लोग इनकी शादियों पर बात करना चाहते हैं। इन्होंने इंकशाफ किया कि अब भी लोग इन्हें चाहते हैं, इन्हें छेड़ते हैं और इनके साथ मजाक करते हैं और यहाँ तक कि इन्हें शादियों की पेशकश भी करते हैं। इनका कहना था कि अदाकार और अदाकारों की शादियों की बातें फैलना कोई नई बात नहीं, ऐसी अफवाहें फैलने के बाद या तो शोबिज़ शख्सियात तंग आकर शादी कर लेती हैं या फिर वो बेचारे हर बार शादियों की तरदीद करते रहते हैं। निशु बेगम के मुताबिक शादियों और प्यार की बातें हर उम्र में अच्छी लगती हैं, इन्हें भी ऐसी बातें अच्छी लगती हैं लेकिन हकीकत में ऐसा होना मुमकिन नहीं। अगरचे सीनियर अदाकारा ने इंकशाफ किया है कि इन्हें अब भी शादियों की पेशकश होती है, तहम इन्होंने पेशकश करने वाले किसी भी अदाकार या शख्स का नाम नहीं लिया। ख्याल रहे कि निशु बेगम के शौहर फिल्म साज काजिम पाशा 2017 में आरज़ा कल्ब की वजह से 65 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए थे। इससे कब्ल भी अदाकारा ने दो शादियां की जो दोनों तलाक पर ख़त्म हुई। निशु बेगम ने पहली शादी करियर के आगाज़ में इमाम रब्बानी से की थी जिनसे इन्हें बेटी अदाकारा साहिबा हैं और गुज़श्ता माह 42 साल बाद साहिबा अपने हकीकी वालिद से पहली बार मिली थी। इमाम रब्बानी से शादी ख़त्म होने के बाद निशु बेगम ने दूसरी शादी भी फिल्मसाज से की थी लेकिन वो भी ज़्यादा अरसा ना चल सकी थी, जिसके बाद इन्होंने तीसरी शादी काजिम पाशा से की और 2017 में इनका इंतकाल हो गया। अब निशु बेगम ने ज़ाहिदुल उम्री में इंकशाफ किया है कि लोग अब भी इन्हें शादी की पेशकश करते हैं लेकिन इनका रिश्ता इज़दवाज में बंधने का कोई इरादा नहीं।